यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। मोदी के आने तक देश में दो संविधान थे। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। ट्वेंटी फोर बाय सेवन और 2047, न मोदी रुकने वाला है न मोदी थकने वाला है। और यहाँ आकर कह रहे हैं मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? 370 गए, 370 को जमीन में गाड़ चुका। सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूं। तो अभी आपने 2 मिनट की जो रिपोर्ट देखी उसके बाद आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल, अंडरकरंट क्या है और इस चुनाव में किसका अंडरकरंट है? जवाब जानने से पहले अंडरकरंट का मतलब समझना जरूरी है। इंग्लिश शब्द अंडरकरंट का मतलब होता है वो छिपी भावना जो अक्सर सार्वजनिक रूप से दिखाई गई है, पिक्चर से अलग होती है, यानी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। 2024 के चुनाव में पहले 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। एनडीए और इंडिया दोनों जीत का दावा कर रहे हैं और इन सबके सेंटर में है नरेंद्र मोदी। सवाल है कि क्या 2014 और 2019 की तरह मोदी मैजिक कायम है या फिर विपक्ष के लिए ये बेस्ट मौका है, या फिर नरेंद्र नहीं दिख रहा तो क्या ये मोदी का अंडरकरंट है या फिर अंडरकरंट किसी और का है? इस भीड़ के मन में क्या है? जो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते उनके दिल में क्या है? जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो किसके सपोर्टर हैं? पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक यही सवाल वायरल है और नरेंद्र मोदी की चौंकाने वाली इलेक्शन स्ट्रेटजी ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी उलझा दिया है। बीजेपी के वोटर की सुस्ती और शुरुआती 2 फेज में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के दावे भी चर्चा में हैं। और ये चर्चा प्रधानमंत्री तक भी पहुंची है और शायद यही वजह है कि हर बीतते दिन के साथ नरेंद्र मोदी की चुनावी कैंपेन और धारदार होती जा रही है। सवाल है कि अगर 2014 में मोदी की लहर थी और 2019 में मोदी की सुनामी थी तो 2024 में क्या है? कहीं ये मोदी का अंडरकरंट तो नहीं? वेस्ट बंगाल में भी जाकर देख लीजिए, कैसी जगहों पर जहां बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होता है वहां पर मोदी को देखने के लिए सड़कों के ऊपर हर वर्ग के लोग, यंग लड़के लड़कियां, बूढ़े जवान मजदूर, सब लोग उनको देखने आते हैं, सुनने आते हैं। उसकी वजह से कितने वोटों में परिवर्तन होगा 4 जून को पता लगेगा, परंतु भारतवर्ष के अंदर कोई अगर राष्ट्रीय नेता इस वक्त है वो केवल अभी भी नरेंद्र भाई मोदी है। 2 बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करना कोई मजाक की बात नहीं है। हैट्रिक की राह पर निकले नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को जब राजस्थान के बांसवाड़ा में मनमोहन सिंह के मुसलमानों और संसाधनों वाले बयान का जिक्र किया तब ऐसा लगा कि मोदी अपने सुस्त पड़े वोटर्स में चाबी भर रहे हैं। विपक्ष को भी एक संभावना दिखी लेकिन नरेंद्र मोदी गारंटी की ट्रेन लेकर अपने ही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। जिन मुद्दों को गिनाकर विपक्ष वोटर्स को लुभाने में जुटा है उन्हीं मुद्दों के दम पर नरेंद्र मोदी
अपनी हैट्रिक को भुनाने में जुटे हैं, जिसका एक लेटेस्ट ट्रेलर आपको दिखाते हैं। 4 मई 2024 लोहरदगा झारखंड। झारखंड के लोहरदगा में पीएम मोदी की रैली थी। इस रैली में मोदी ने विपक्ष के ब्रह्मास्त्र को कैसे उन्हीं पर वापस करने की कोशिश की, ये बताने से पहले एक बैकग्राउंडर जरूरी है। दरअसल झारखंड वो स्टेट है जहां जनवरी में सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया था। हेमंत सोरेन अभी रांची की बिरसा मुंडा जेल में है। हेमंत की तरह ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे हैं। इंडिया गठबंधन इन दोनों केस में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन ने 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची में उल गुलान न्याय महारैली की। 12 से ज्यादा पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन किया, मोदी की हैट्रिक को रोकने का दम भरा। इस महारैली में केजरीवाल और सोरेन के लिए कुर्सी खाली छोड़ी गई थी। इंडिया गठबंधन ने इस सिंबॉलिक तस्वीर से वोटर्स को मैसेज दे दिया। बारी मोदी की आई तो झारखंड से ही मोदी ने हुंकार भरी कि तीसरी बार सरकार बनी तो ऐसे एक्शन और तेज होंगे। मोदी का एक ही संकल्प है, भ्रष्टाचार हटाओ। और ये इंडिया अलायंस वाले कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अरे चुनाव के समय भी भ्रष्टाचारी बचाओ की रैलियां कर रहे हो, मतलब तुम्हें इस देश के कोई लेना देना नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा चलेगा चलेगा। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी में ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, जब 2014 और 2019 जैसा माहौल कथित रूप से इस चुनाव में नहीं दिख रहा। उल्टे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को विपक्ष बूस्टर मान रहा है, तब नरेंद्र मोदी के ऐसे कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? क्या मोदी को वो दिख रहा है जिसे बहुत लोग नहीं भांप पा रहे? बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं हम लोग कि भाई मोदी के खिलाफ या मोदी के सपोर्ट में वेव है, सुनामी है या अंडर करंट है। ये तीनों के मतलब जब चुनाव के नतीजे आते हैं ना, तब समझ में आता है कि अंडर करंट थी। और क्यों जरूरी है कि मोदी के समर्थन में ही अंडर करंट हो सकता है राहुल गांधी के समर्थन में अंडर करंट। जहाँ तक मोदी के करंट की बात है तो मोदी का अंडर करंट इसलिए भी है, अंडर करंट भी है, बाहरी करंट भी है, कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग खुल के नहीं बोल रहे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी के बराबर का चेहरा भारतीय राजनीति में नहीं है, न सत्ता पक्ष के पास है न विपक्ष के पास है। इसलिए मोदी का वैकल्पिक चेहरा नहीं होने के कारण मतदाताओं की जो एक पसंद है वो मोदी है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान सत्ता पक्ष को होगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। अभी इस स्पेशल रिपोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है। आपको अमित शाह का राहुल गांधी पर लेटेस्ट अटैक भी सुनाएंगे, और अमित शाह की नजर में चुनाव कैसा हो रहा है और बीजेपी की कितनी सीट का दावा वो कर रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर संविधान को बदल देने का आरोप भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए इस चुनाव के हिडन मैसेज को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चुनाव इतना सस्पेंसफुल क्यों है। देखिए, 2 चरण का चुनाव, कौन निश्चिंत है, किसे तनाव है। राज्य है महाराष्ट्र, कुल सीट कितनी है, 48 सीट है। फेज 1 में 5, वोट कितना यहां पर हुआ, 63.71%। फेज 2 में 8 सीटों पर वोटिंग हुई, वोटिंग प्रतिशत कितना रहा, 62.71%। तो ये महाराष्ट्र की 48 सीटों का आंकड़ा हमने आपको बताया, पहले फेज में कितना था और दूसरे फेज में कितना था। उसके बाद बारी आती है पश्चिम बंगाल की, जिसमें 42 सीटें हैं, पहले फेज में 3 सीटें थी और वोट यहां पर कितना हुआ, 81.91%। फेज 2 की बात की जाए, 3 सीटें जिसमें हुए 76.58% यहां पर मतदान हुआ, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आती है बारी बिहार की। बिहार में देखिए कुल सीट कितनी है, 40 सीटें हैं, फेज
वन में यहाँ पर चार सीटें थी जिसमें वोट कितना हुआ 49.26% हुआ। फेस टू में 5 सीटें थी जिसमें वोटिंग प्रतिशत कितना रहा 59.45% यहाँ पर जो वोटिंग परसेंट था वो रहा। उसके बाद बात करते हैं यूपी की जहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं 80 सीटें यहाँ पर हैं। देखिए पहले फेज में 8 सीटें थी जिसमें 61.11% मतदान हुआ। फेज टू की अगर बात की जाए तो 8 सीटों में 55.19% मतदान हुआ। तो ये दो चरणों का चुनाव और इन राज्यों में क्या वोटिंग परसेंट रहा ये हमने आपको बताया है। कुल सीट 210 फेज वन में 20 में देखिए आप क्या आंकड़ा रहा है और इन सीटों पर किस तरीके से जो वोटिंग परसेंट था वो रहा है। महाराष्ट्र की बात की जाए 48% यहां पर मतदान हुआ। अब देखिए कितना बदल गया आंकड़ा, पहले ही चरण का आंकड़ा क्या है वो भी आपको समझाते हैं। 19 अप्रैल को शाम 5 बजे तक की अगर बात की जाए तो 59.70% जो आंकड़ा था वोटिंग परसेंट था वो था। ये कैसे आगे बढ़ता गया ये भी आपको समझाए। 19 अप्रैल को ही शाम 7 बजे आंकड़ा कैसे बदला, 60.3% जो मतदान का आंकड़ा था प्रतिशत था वो बढ़ा। उसके बाद अगर 19 अप्रैल रात 10 बजे तक की बात की जाए तो 63.70% ये आंकड़ा बदलता क्या। उसके बाद अगर बात की जाए 20 अप्रैल सुबह 8 बजे तक की तो 64% जो ये आंकड़ा था ये बदल गया है। और 2019 में 69.96% फाइनल आंकड़ा क्या रहा, वोटिंग परसेंट क्या रहा फाइनल वो भी आपको बता दें 66.10% ये पूरा आंकड़ा रहा है। तो देखिए अब दूसरे चरण की बात की जाए, दूसरे चरण में देखिए 26 अप्रैल को शाम 5 बजे 60.70% ये आंकड़ा रहा। उसके बाद शाम 7 बजे की बात की जाए तो 61% ये आंकड़ा रहा। उसके बाद रात 9 बजे की बात की जाए तो 63% ये आंकड़ा रहा। और फाइनल की अगर बात की जाए 2019 में 70% कहीं ना कहीं आंकड़ा रहा और फाइनल आंकड़ा जो था वो 66.70 था। तो आंकड़ों के जरिए आपने समझ लिया कि कैसे 2024 का चुनाव 2014 और 2019 की तुलना में अलग दिखाई दे रहा है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के लिए मैदान खुला है। प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुछ जातीय संगठनों की नाराजगी को भी नेगेटिव फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी और बिहार में कुल 120 लोकसभा सीटें हैं, वहां अखिलेश और तेजस्वी की पॉपुलैरिटी भी बीजेपी की फिक्र की वजह है। सवाल है कि नरेंद्र मोदी की हैट्रिक होगी या फिर नहीं। चुनाव में नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, अपनी पिच पर विरोधी को कैसे बुलाया जाता है और किस तरह विपक्ष की एक चूक को गेम चेंजर बनाया जाता है। बीते एक दशक में कई बार नरेंद्र मोदी ये करिश्मा कर चुके हैं। 2001 से आज तक जब भी चुनाव लड़ा न तो खुद हारे न पार्टी को हारने दिया और अब मोदी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हैं। विपक्ष के कई लोग नरेंद्र मोदी की गारंटी को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के फील गुड से भी जोड़ रहे हैं जब तमाम सर्वे बीजेपी की सरकार बना रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा। तो क्या इस बार भी बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है या वाकई जलवा कायम है। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि 2014 और 2019 के बाद 2024 का चुनाव उनके लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसलिए भाजपा ने एक टारगेट तय किया हर मतदान केंद्र पे अपने बूथ के जो कोऑर्डिनेटर थे, बूथ मैनेजमेंट करने वाले थे, उनको कहा गया कि हर मतदान केंद्र पे 370 वोट ज़्यादा डलवाना है। सुनामी या वेव तब नज़र आती है जब या तो किसी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल हो, जैसा आपको याद हो 2014 में हुआ, या फिर कोई जज्बाती मुद्दा हो जाए जैसे 2019 में हुआ बालाकोट को लेकर, एयर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। इस समय ऐसा कोई जज्बाती मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। वैसे तो चुनावों का अंतिम सत्य जो है नतीजे होते हैं कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल नहीं दिखाई देता कि मोदी सरकार रिपीट नहीं हो रही या हैट्रिक नहीं बनाने जा रही। अब यहाँ एक बार फिर नरेंद्र मोदी की चुनावी कैंपेन पर नजर डालते हैं, क्योंकि मोदी के कॉन्फिडेंस की कुंजी वहीं छिपी है। नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म को विपक्ष संविधान के खात्मे के तौर पर देख रहा है।
लेकिन मोदी अपने अतीत से विपक्ष की स्ट्रेटजी को फेल करने में जुटे हैं। ये जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है, इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा, यही इनका लक्ष्य है। जरा कान खोल कर सुन लो, ये मोदी संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। और तुम्हें तो मालूम नहीं है, जब भारत के संविधान को 60 साल हुए, इस देश में अकेला मैं मुख्यमंत्री था, अकेला गुजरात का मुख्यमंत्री था जिसने संविधान के 60 साल का उत्सव मनाया था। विपक्ष के अटैक और मोदी के डिफेंस में एक और बहुत बड़ा अंतर है। इंडिया गठबंधन 2024 में जीत का दम भर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर रहे हैं, मतलब विपक्ष के विजन और मिशन से कहीं आगे की बात मोदी कर रहे हैं। जिन्होंने दशकों भारत की राजनीति देखी है, समझी है, हम उनसे समझना चाह रहे थे कि आखिर नरेंद्र मोदी का प्लान 2047 क्या 2024 में काम करेगा। अभी से अगले 23 सालों तक अपराजेय रहने की भावना का संचार कैसे हो रहा है, मोदी को ये यकीन क्यों है? वेव दिखाई दे, सुनामी है या नहीं है, ये अंडर करंट है, ये तो चुनाव नतीजों से पता चलेगा कि जो मौजूदा सरकार है, एनडीए सरकार है, वो 400 पार करती है या नहीं करती है, 300 पार करती है या नहीं करती है, 272 भी पार करती है कि नहीं करती। फिलहाल ऐसी संभावना नहीं लगती, फिलहाल ऐसी संभावना नहीं लगती कि मोदी सरकार हैट्रिक नहीं बनाएगी। अब वो कितना पार करेगी, और 400 पार का नारा जो उनका साइकोलॉजिकल ट्रैप है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, वही है कि हम सब लोग उसमें फंसे हुए हैं। 400 पार होना महत्वपूर्ण है ही नहीं, सरकार बनाने के लिए 272 पार होना जरूरी है, और वहाँ पर मुझे फिलहाल कोई बाधा नहीं दिखती। जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, जिसकी भी सरकार बनेगी, मेरा अपना मानना है कि ये प्रचंड बहुमत लाकर ही ये सरकार बनेगी, और काफी बड़े मार्जिन के साथ बनेगी। नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी के मिशन 400 प्लस को लेकर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी पर है तो वो नाम है अमित शाह। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह 400 पार की हुंकार भर रहे हैं और राहुल के राय बरेली जाने को चुनाव का परिणाम मान रहे हैं। क्या आज हालत हुई है राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं देश भर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह जाता हूं, हर जगह से इसी प्रकार से मोदी 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 की आवाज कानों में गूंजती आ रही है। देश की जनता तय कर बैठी है कि 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत। अभी तक दो चरणों में 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब नजर 7 मई पर है, जब 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। अभी तक जिस चुनाव को नीरस माना जा रहा था, अब थ्रिल और सस्पेंस पीक पकड़ रहा है।